हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही इजी मटर, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 बड़े कप मटर। इसे हमने रात में भिगो दिया था और ये इस तरह से फूल के बड़े हो गए हैं। अब हम इसे प्रेशर कुकर में पकाएंगे और यहाँ पे मैंने लिया कुकर और इसमें हमने वही मटर का जो पानी था जिसमें हमने भिगोया था, तो वो पानी और मटर इन दोनों को साथ में हम डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ टेस्ट टू अकॉर्डिंग नमक। नमक तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और आप अपनी मटर के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं नमक को। अब मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ले रही हूँ, बारीक कटे हुए 4 से 5 हरी मिर्चें, इन सबको मैं अच्छे से ऐड करके पका लूँगी थोड़ी देर। मटर फिर से हम पकने की छोड़ देंगे और पक के तैयार हो चुका है इस तरह से। अब इसे इसकी मदद से अच्छे से हम इसे फेंट लेंगे, इसमें हमारे जो छिलके हैं सभी दूसरे मिल जाएं आपस में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर हम इसलिए ऊपर से इस पत्ते में से डाल लें कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। आप चाहें तो बाद में ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब इसे गार्निश करने के लिए हम यहाँ पर हरी धनिया की पत्ती, इसे हम अच्छे से गार्निश कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं बारीक कटे हुए प्याज, इसे भी इस तरह से हम अच्छे से गार्निश कर लेंगे। मैं ले रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इसे भी अच्छे से गार्निश करेंगे। अब हम ले रहे हैं हल्दीराम की जो है सेव, इसे हम इस तरह से गार्निश करेंगे। ये जब बन के इतनी अच्छी तैयार हुई है तो ये खाने में कितनी टेस्टी होगी, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार। मटर को और भी अच्छा दिखाने के लिए, और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे अनार के दाने। इस अच्छे से गार्निश कर देंगे अनार के दाने से और ये बनके तैयार है हमारी रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।